सर, आने वाला जो 2023 कैसा रहेगा और जो अभी 2022 जो है वो कैसा रहा, जो कोरोना काल था 2021 से 2019 से 2021 तक, तो वो कैसा गया, तो इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, हम लोग सभी लोग बहुत खुशकिस्मत है जो कोरोना के पीरियड से हम बाहर निकला है, क्योंकि जो कोरोना के 2.5 साल गए हैं वो बहुत ही विपदा भरे गए हैं। उसमें काफ़ी लोगों के घर में परेशानियां हुई, जान की हानि हुई, जिसमें बहुत बड़ी हानि देश की भी हुई जो कोरोना पीरियड से हम बाहर निकले। उसके बाद 2022 में लोगों ने संवरना चालू किया, अपने अपने धंधे बनाना चालू किया, लेकिन फिर भी 2022 जिस स्पीड से जाना चाहिए था वैसा 2022 गया नहीं, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ था और वो नुकसान की भरपाई करते 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 2022 लोगों का निकल गया। तो इस 2022 में लोगों ने अपना सेटअप बनाया जो बिखर गया था, लेकिन आने वाला जो 2023 है ये हर इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जिसमें स्पेशली रियल इस्टेट इंडस्ट्री ये बहुत उभर के सामने आएगा, क्योंकि रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं इन दिनों में कितना ज़्यादा स्कोप है। और नागपुर जैसा शहर जिसमें इतने भव्य डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े मात्रा में सीमेंट रोड और बड़े मात्रा में प्रोजेक्ट्स हमारे नागपुर में डिक्लेयर हो चुके हैं, जिसके कारण नागपुर ये रियल इस्टेट के लिए बहुत अच्छा 2023 रहने वाला है। और खास तौर से उनके लिए रहेगा जो नेचर प्रेमी जो है, नेचर प्रेमी मतलब जो नेचर के साथ प्यार करते हैं, जिन्हें अपना फार्म हाउस लेना है, कॉटेजेस बनाने हैं दूर जाके, उन्हें जिन्हें पता है कि कोरोना में कितना नुकसान हुआ है, अगर वही कोरोना में वो नेचर में रहते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता था। ऐसे नेचर प्रेमियों को हम लोग, मतलब नेचर प्रेमियों के लिए हम भी एक अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हिंगना डेगमा में, जो वाटरफॉल से लगा हुआ है, पूरी तरह विकसित है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो अमेजिंग है, पेट का पानी भी नहीं हिलता, ऐसे रोड है और पूरी तरह सुसज्जित। ये एक डेगमा फार्म हाउस करके एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे, जिसमें स्विमिंग पूल, एडवेंचर जोन, क्लब हाउस, रूम्स, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, ये सारा कंसेप्ट उसमें रहेगा। अभी स्टार्ट कर दी हुई है, लगभग जून में इसे हम लॉन्च करने वाले हैं। प्री बुकिंग लॉन्च में अभी लगभग 50% का प्रॉफिट बायर्स का है, कस्टमर्स का है। तो जो भी नेचर लवर है और जो कोरोना जैसी विपदा अगर कभी फ्यूचर में आती है तो उनके पास में उनका सुसज्जित एक हथियार रहे, एक अपना खुद का फार्म हाउस रहे, जो नागपुर शहर से लगकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लबालब हो, ऐसे सभी लोगों के लिए हम एक फार्म हाउस लेके आ रहे हैं जिसका नाम है डेगमा फार्म। सो मेरी शुभकामनाएं हैं नागपुर वासियों को, देशवासियों को, कि ऐसी विपदा से हम हमेशा लड़ते रहे और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे और सब लोग खुशी रहे, हैप्पी रहे, और ये 2022 का जो अंत हो रहा है उसके लिए, 2023 के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। नया साल आपको बहुत अच्छा हो, भर भराटी का हो, बहुत सारा पैसा आप बनाए, हमेशा खुश रहे, ट्रांसफॉर्म हुए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।